स्वागत है आपका हमारे चैनल अब क्लासेस पर अगेन आज का टॉपिक है हमारा टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल वैन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ साइन एक्स और कॉस एक्स एंड कंडीशन है एफ माइनस ए स्क्वायर इज नॉट इजल टू जीरो तो पी आई निकालने के लिए वन अपॉन एफ डी स्क्वायर अगर साइने एक्स है तो वन अपॉन एफ माइनस ए स्क्वायर साइने एक्स यानी कि डी स्क्वायर की जगह आपको पुट करना है माइनस का ए स्क्वायर और कंडीशन क्या है जो एफ माइनस का ए स्क्वायर है वो नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए सेकेंड अगर कौसे एक्स है तब भी आपको डी स्क्वायर की जगह क्या पुट करना है माइनस का ए स्क्वायर ठीक है और इसमें भी सेम कंडीशन है कि आपको जो पुट करना है वो डी स्क्वायर की जगह माइनस का ए स्क्वायर पुट करना है और एफ माइनस ए स्क्वायर जो होगा उसकी जो वैल्यू आएगी वो जीरो नहीं आएगी ठीक है वो जीरो के बराबर नहीं होगी चलिए तो इससे हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं इस एग्जाम्पल से एग्जाम्पल है सॉल्व डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस टू डी बाईस प्लस वाई इजिकल टू ए कॉस थ्री एक्स ठीक है तो सबसे पहले हम इसे सिंबोलिक फॉर्म में लिख लेते हैं क्या होगी डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन बाई इजक्ल टू ए कॉस थ्री एक्स ठीक है इसकी ऑग्जिलरी इक्वेशन होगी एम स्क्वायर माइनस टू एम प्लस वन एजल टू जीरो ठीक है या किसका फार्मूला है एम माइनस वन का होल स्क्वायर यानी कि जो रूट्स आ जाएंगे एम इजल टू वन का मा वन तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या सी एफ जो होगा वो हो जाएगा आपका सी वन प्लस सी टू एक्स और ई e की पावर एक्स ठीक है अब आपको निकालना है इसका पी आई तो पी आई निकालने के लिए हमें क्या करना है बन अपॉन एफ डी यानी कि डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन क्या है आपका ए कॉस थ्री एक्स डी स्क्वायर की जगह क्या रखना है आपको ए स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी है थ्री तो बन अपॉन थ्री का स्क्वायर माइनस का टू डी प्लस का वन ए cos थ्री एक्स तो वन अपॉन ए माइनस का नाइन माइनस का टू डी प्लस का वन ए cos थ्री एक्स ये आ जाएगा आपका माइनस नाइन प्लस वन यानी कि माइनस का एट माइनस का टू डी ए कॉस थ्री एक्स यहां से हम अगर माइनस का टू कॉमन ले लें तो क्या बचेगा डी और प्लस का फोर ठीक है ए कॉस थ्री एक्स नीचे स्क्वायर बनाने के लिए इसके नेगेटिव साइन से हमें ऊपर नीचे क्या करनी होगी मल्टीप्लाई तो डी माइनस फोर अपॉन डी प्लस फोर और डी माइनस फोर ए कॉस थ्री एक्स और माइनस का बन वाई टू है आपका ठीक है तो माइनस का बन वाई टू डी माइनस फोर अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी यानी कि डी स्क्वायर माइनस सिक्सटीन तो ए कॉस थ्री एक्स

D minus फोर a cos थ्री ठीक है तो 1 अपॉन फिफ्टी d फॉर डिफरेंशियल तो ये हो जाएगा 3a sin 3x अब डिफरेंशियल करेंगे तो यहाँ क्या आएगा माइनस और माइनस का फोर a cos थ्री एक्स ठीक है यहाँ से माइनस ए कॉमन ले ले तो यह आ जाएगा माइनस ए अपॉन फिफ्टी थ्री साइन एक्स साइन थ्री एक्स प्लस फोर कॉस थ्री एक्स ठीक है ये आ गया आपका पी आई निकल के तो इस इक्वेशन का जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा वो क्या होगा बाई इजक्ल टू सी एफ प्लस पी आई सी एफ क्या है आपका सी वन प्लस सी टू एक्स ई की पावर एक्स माइनस ए अपॉन फिफ्टी थ्री साइन थ्री एक्स प्लस फोर कॉस थ्री एक्स ठीक है इसका आंसर होगा तो उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा थैंक यू